सूचना कोचिंग सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे कोचिंग सेंटर का थंबनेल आपको नजर आ रहा है, इस कोचिंग सेंटर पर हम आज से दिनांक 30 मई 2020 से एक ई शिक्षा के क्षेत्र में शुरुआत करने जा रहे हैं। विजयनगर जैसे छोटे से कस्बे के अंदर हम आपको लीड पटवार व कॉन्स्टेबल जैसी अन्य जो भी सरकारी वैकेंसियाँ हैं उन सभी वैकेंसियों को लेकर हम एक ई शिक्षा के क्षेत्र में एक नवाचार लेकर आए हैं। दोस्तों, इसी नवाचार के तहत हम आपसे वादा करते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम जैसे BSTC हुआ, आपके PTD हुआ, पटवार हुआ, रीट हुआ, इन सभी का पूरा सिलेबस करवाने के लिए हम पूरा पाठ्यक्रम करवाने का वादा कर रहे हैं। और आज से नई शुरुआत के साथ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रारंभ में हम आपको GK पढ़ाएंगे, उसके बाद अपनी क्लास रीडिंग रखेंगे, मैथ रखेंगे, साइकोलॉजी रखेंगे, कंटिन्यू रीट का सारा सिलेबस पूरा करवाएंगे। हमारे कोचिंग सेंटर का नाम जैसे आपको लिखना है अनमोला कोचिंग सेंटर, हमारे इस यूट्यूब चैनल तथा ऐप को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें ताकि संपर्क किए और इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे संविधान को भी अपन अगर पढ़ते हैं तो संविधान से अपन सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और उस क्वेश्चन में अपन बात करेंगे कि संविधान के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन शुरुआत क्वेश्चनों की होती है वो आपके संविधान के पहले प्रश्न से होती है, और पहला जो प्रश्न है वो आपके है दोस्तों प्रस्तावना। जैसे कि हम सब जानते हैं प्रस्तावना से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों को। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रस्तावना याद करवाऊँगा, फिर पूरी प्रस्तावना को समझाऊंगा, बारीकी से समझेंगे हम, एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक शब्द के भावार्थ को समझेंगे कि प्रस्तावना कहना क्या जाती है, और उसी भावार्थ के तहत मैं आपको प्रस्तावना को याद भी करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के तहत मैं सबसे पहले आपको प्रस्तावना पढ़ाने जा रहा हूँ, और इसी शुरुआत के तहत पर देखो सबसे पहले संविधान की अगर मैं बात करूँ तो संविधान जो शब्द है ये सम प्लस विधान से मिलकर बना है, और सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ होता है पहले दोस्तों कानून, क्या अर्थ होता है कानून, यानी कानून सभी के लिए क्या है समान। ये तो है दोस्तों हिंदी की बात, अगर अपन बात करें तो इसमें हिंदी की दृष्टि से देखें तो व्यंजन संधि है। ठीक, फिर उसके बाद अपन अगर दोस्तों बात करेंगे संविधान में अपन ने बात की थी कि सबसे पहले क्या पढ़ाना है, तो संविधान में सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रस्तावना के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो दोस्तों प्रस्तावना को किसी याद करेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये लाइन ये बताना चाहिए कि भारत का जो संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह भारतीयों द्वारा निर्मित है, न कि विदेशियों के द्वारा। ठीक दोस्तों, हम भारत के लोग। दूसरा है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस लाइन का आपको समझना दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये लाइन तो ये कह रही है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित है। एक बार ये एग्जाम में पूछ लिया गया कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ, तो दोस्तों अभी तक तो आपके सामने दो बार आया है, एक बार और दो बार, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ भी हो दोस्तों कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दृष्टि से भारत को क्या बनाना है, संपन्न राष्ट्र बनाना है, और संपूर्ण दृष्टिकोण से अपने को क्या बनाना है, इसको संपन्न राष्ट्र बनाना है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
जो तांत्रिक कर सकते हैं इसको, जो तांत्रिक एक ही शब्द है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए पहले तो कोशिश होना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ समझना समाजवादी का भावार्थ ये हुआ दोस्तों कि संपूर्ण समाज, संपूर्ण भारत एक ही समाज है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि भारत का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर जाति, धर्म, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। इसको लेकर आगे आप देखेंगे कि मूल अधिकारों में आपके इस पंथ को या इस शब्द को और ज्यादा उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक अगर देखते हैं तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पंथ निरपेक्ष में धार्मिक स्वतंत्रता है। उस धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको और अधिक विस्तृत रूप से बताया गया है कि किस तरह भारत में धर्म की स्वतंत्रता है। फिर देखना दोस्तों लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र, भारत के अंदर लोकतंत्र है न कि राजतंत्र है, यहाँ जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। गणराज्य बनाने के लिए ये आपके प्रस्तावना की छोटी सी लाइन है दोस्तों, अभी मैंने आपको इसे संक्षिप्त रूप से समझाया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसको इसी तरह याद करेंगे दोस्तों। आप इसको टुकड़ों में याद करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक साथ रटने से याद नहीं होगी, अलग अलग तरीके से इसको टुकड़ों में याद करना है। कैसे याद करना है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ और जिस तरह मैं टुकड़ों में देख रहा हूँ, सबसे पहले आप ये टुकड़ा याद कर लें हम भारत के लोग, फिर ये टुकड़ा याद कर ले भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर ये टुकड़ा याद कर ले समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक या गणराज्य बनाने के लिए। याद याद करना दोस्तों ये समाजवादी शब्द भी है, ये बाद में जोड़ा गया है, ये बाद में जोड़ा गया, हालांकि मैं इसको आपको लास्ट में देखना चाहता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि बाद में जोड़ा गया है। तो ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ, तो ये संशोधन जब प्रस्तावना में हुआ तो प्रस्तावना में तीन शब्द जोड़े गए, एक शब्द का नाम है समाजवाद, दूसरा शब्द है पंथनिरपेक्ष और तीसरा जो शब्द है वो आगे आएगा भी वो है आपके अखंडता। ये तीन शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जुड़े। ध्यान रखना दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना प्रस्तावना में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ, और अगर आपसे पूछ ले कि क्या संशोधन हुआ, क्या जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना समाजवाद शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, अखंडता, तीन शब्द प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए। कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए, किस वर्ष जोड़े गए, 1976 में जोड़े गए, और अगर अंदर से और डीपली आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो ये पूछ सकता है कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ध्यान रखना दोस्तों इस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ये ध्यान रखना इंदिरा गांधी जी इस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक दोस्तों प्यारे मित्रों, तो ध्यान रखना अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसका एक बार फिर रिवीजन कर देता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यहाँ तक अपन ने पढ़ा और अपन ने यहाँ तक ये भी देख लिया कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ऐसे शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, वर्तमान में है, बाद में जोड़े गए, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। फिर उसके बाद ये मैं आपको लास्ट में दिखवा दूंगा नोट बना के 42वां संविधान संशोधन, पहले आप यहाँ तक ध्यान में रखें।
समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा यहाँ आगे लिखा हुआ है दोस्तों तथा उसके समस्त समस्त नागरिकों को